सब्सक्राइब कीजिए बुडमर्ज.com चैनल को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वुडवर्क चैट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जहीर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो आपको। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको जैसे स्लाइडिंग अलमारी की चैनल लगाते हैं वो किस तरीके से लगाऊँ। मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाऊँगा, पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको पता भी चलेगा किस तरीके से लगाते हैं। तो वीडियो में चलते हैं दोस्तों। तो आपको जो चैनल लगानी है तो पहले सबसे पहले आपको इस तरीके से काट लेनी है, यानी कि जो नाप होगा और उसके जो आपको साइज लेना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपको साइज रखना, जैसा अलवारी बनाते हैं तो उसका मैं नाप का दिखा देता हूँ आपको कितने अंदर, यानी कि अपनी ये जो सेल्फ सामने देख रहे हैं आप कितने अंदर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 4 इंची अंदर आपको करके बनाना होगा। अगर आप अंदर वाले से जो सेल्फ लगाते हैं 4 इंची आपको अंदर लगाना होगा। तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं, जैसे देख सकते हैं इसमें 4 इंची अंदर है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। जो साइज आता है इसका चैनल का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने साइज का साइज आता है इसका। ये देख सकते हैं इसमें जो होते हैं ये अपने स्प्रिंग होते हैं, इस तरीके से ये दब जाता है। तो इसमें ये पेज ऊपर से होता है टाइट करने का, जैसे आपको ग्रुप कम भर्ती करना है तो उसके लिए होता है ये। तो आप उससे देख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर साइज़ यानी कि नाप लेना, जैसे अपना ये देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ग्रुप में फंस कर चलता है इस तरीके से, यानी कि ग्रुप के अंदर बैठना चाहिए इस तरीके से ये चलता है रेडो। तो इसमें ये लॉक लग जाते हैं, जो साइड में लॉक होते हैं जो हमारे उसमें लगाते हैं चैनल में लॉक लेने के लिए, जो अपना पल्ले की जो वो होता है जैसे लॉक लग जाता है इस तरीके से होते हैं ये। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से लगते हैं। ये जो चैनल होती है इसकी जो मोटाई होती है 1/2 इंची होती है एक की, और एक होती है 2 सूत मोटी, यानी दोनों तरफ चैनल लगती है इसमें। ये दोनों तरफ ये वाले रेडू लगते हैं इसमें, तो दोनों तरफ ये स्प्रिंग वाले होते हैं। इसमें ये नहीं है कि जैसे आप दूसरी चैनल, जैसे आपने देखा होगा दूसरी चैनल में ऐसा होता है कि रेडू एक साइड लगते हैं और एक तरफ दूसरे रेडू लगते हैं, उसमें चैनल उल्टी सीधी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप उल्टी यानी कि इसमें ऊपर की साइड लगा सकते हो मोटी वाली या पतली वाली भी लगा सकते हो, अगर आपको जिस हिसाब से लगानी लगा सकते हो। इसमें उल्टा सीधे का कोई हिसाब नहीं होता है इसमें, जैसे हाँ जी एक तरफ हमने मोटी लगा दी एक तरफ पतली लगी, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं अगर आपको जिस हिसाब से चाहिए। तो आप इसको गुनिया के साथ लगा कर निशान इस तरीके से काट सकते हैं इसमें, यानी कि प्रॉपर कटना चाहिए। इसकी फिटिंग होती है, ये है अपने हाई क्वालिटी मेटल है, इसमें ये फिटिंग आती है। ये जो उसका जो प्राइस होता है 2.5 से 3 हज़ार के बीच में होता है। ये आप आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं, हार्डवेयर की दुकान से ये आसानी से मिल जाता है। अगर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ से ये मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं जैसे एसेसरीज अपने हैंडल कब्जे खरीदते हैं जैसे अलवारी के, वहाँ पे ये मिल जाता है चैनल। तो इसका 2.5 इंची साइज है, और जो हमारा रेडू होता है वो उसका उसको मिला के पीछे की साइड जो लगता है तो उसलिए वो 4 इंची जगह छोड़नी होती है, तो वो 0.5 इंची का होता है। तो उसमें ये देख सकते हैं आप, तो इसमें जो आपको साइज रखना है वो प्रॉपर 4 इंची रखना है। बाहर वाला जो जिस पर हमारे चैनल का सही वो 4 इंची जगह होनी चाहिए वहाँ पर जहाँ पर स्लाइडिंग चलेगी। तो उसमें जो आपने देखा होगा दूसरे चैनल में ये दिक्कत आती है कि वो चैनल पैसा डोर से उतर जाता है। इसका जो गैप रखना आपको पेचों का कम से कम 15 या 20 इंची के बीच में रखना आपको, यानी कि 15 से 20 तक आप लगा सकते हैं पेच, 15 इंची से 20 इंची तक। तो इसमें उसी हिसाब से आपको सुराख करने, इसमें ये लूज़ नहीं होनी चाहिए सुराख, जो आप सुराख करते हो उसमें जो अपने ये ड्रिल करते हो ये लूज़ नहीं होना चाहिए। पेच का साइज़ प्रॉपर बराबर होना चाहिए जो उसकी मोटाई होती है पेच की उस हिसाब से, क्योंकि लूज़ रहेगा तो वही हिलेगी चैनल, अगर प्रॉपर जैसा टाइट नहीं होता तो लूज़ रहेगी तो हिलेगी। तो इस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके से आपको ड्रिल करनी है। तो दोस्तों, अगर जैसे आप ये लगाते हो चैनल तो उसमें जो वो दूसरी चैनल होती है उसके, अगर उस तरीके का आपको चैनल लगानी है दूसरी वाली चैनल जिसमें नीचे रेडियो चलते हैं और ऊपर अपना फंस कर चलती है वो चैनल, ऊपर से यानी कि लगाना पड़ता है, नीचे से मिला कर लगाना पड़ता है, तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर वैसी चैनल लगानी है आपको दूसरी वाली जिसमें नीचे रेडियो जो चलते हैं, जो चैनल के ऊपर चलते हैं, ये अपने चैनल के अंदर फंस कर चलते हैं रेडियो, उसमें ये चैनल जो होती है इसमें बहुत अच्छा रहता है, इसमें इसमें आवाज़ नहीं आती है और अपना ये चैनल पर से यानी कि डोर से होता उतरता नहीं है, उसमें उतरने का चांस रहता है। ये इसमें प्रॉपर यानी कि ग्रुप में चलता है, वो ग्रुप के बाहर चलती है तो उसमें उतर जाता है, तो उसमें ये दिक्कत आती है, इसलिए महंगी होती है वो सस्ती होती है इससे। अगर आपको वैसी लगानी है दूसरी वाली चैनल तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से देख कर देख सकते हैं आप वीडियो वो किस तरीके से लगे, उसमें भी फुल डिटेल है, इसमें भी मैं फुल डिटेल दूंगा आपको। आप पूरी वीडियो लास्ट तक
देखना आपको पता भी चलेगा। तो इस तरीके से ये पैकिंग होता है, जैसे अपना अगर हमें डोर्स की जैसे मोटाई कम होती है तो यानी कि बराबर करना है बाहर के लेवल से, तो इस तरीके से आप पैकिंग दे सकते हैं। इसको आपको प्लान करना है ये सफाई से, यानी फेविको लगाना हो टेढ़ी जगह होती है तो उसमें चैनल सही नहीं चलती है, टेढ़े दरवाजे होते हैं तो ग्रुप कम्बरती होता है तो अड़ती है। तो आपको यानी कि जगह जो छोड़नी है वो प्रॉपर बराबर होनी चाहिए, जो लंबाई में जगह छोड़ते हो आप। इसमें जो आपको डोर्स लगाना है, इसमें जो अपने चैनल का जो साइज़ होता है यानी कि आधा इंची और 200 होती है, यानी कि 1.25 इंची हो गया। 1.25 इंची में आप 1 इंची छोटा डोर्स लगा सकते हैं, इसमें एक एक सूत को ऊपर नीचे गैप दे सकते हैं। तो ये जो चैनल है आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, आपको जहाँ पर ज़रूरत हो। हमें इसकी जो ज़रूरत है नीचे बॉर्डर हमें बराबर देना चारों साइड से, इसलिए हमने ये नीचे लगाई चौड़ी वाली। इसमें ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा होगा चैनल में, दूसरी वाली चैनल में उल्टा सीधा होता है, तो इसलिए ये ठीक रहती है। तो इसमें अपने जो डोर्स लगते हैं इसमें आवाज़ भी नहीं आती है, मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें आवाज़ है या नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पेच टाइट कर देने हैं, यानी कि आप पेच ड्रिल मशीन से कर सकते हैं टाइट या हाथ से कर सकते हैं। तो ये पेच जो होते हैं आपको टाइट करने हैं। इसमें जो आपको ये बाहर जो टक्कर रखनी है 1 इंची जो रहती है अपनी प्लेन वाली, वो चीज़ बाहर रखनी है, और जो अपना अंदर होता है ग्रुप उसको अंदर करना है। इस तरीके से आपको बाहर साइड मिला के लगाना चैनल को, यानी कि प्रॉपर टाइट होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये देख सकते हैं इसमें जो अपना ये पेच यानी कि प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं रहनी चाहिए। आप पेच अगर खींचते हो, अगर आप पेच नहीं खींचते हैं तो आप साबुन लगा कर भी कस सकते हो, मैंने उस वीडियो में दिखाया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमने पेच कसे हैं। ये 2 सूत मोटी है, नीचे वाली आधा इंची, ये देख सकते हैं। इसका जो हमने बॉर्डर रखा यानी कि 1.5 इंची, आप देख सकते हैं डबल बोर्ड लगा हुआ, यहाँ ऊपर बोर्ड लगेगा भी तो इसकी मोटाई होगी बराबर, तो देख सकते हैं आप। इसमें बीच में भी 1.5 इंची बॉर्डर है और साइडों में भी 1.5 इंची डबल पट्टी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये नीचे मोटी चैनल लगा, ये देख सकते हैं चैनल इस तरीके से आती है। ये देखो आप, ये चैनल जो होती है ये आधा इंची मोटी होती है, 2.75 इंची चौड़ी होती है, और जो दूसरी वाली चैनल होती है वो अपनी 2 सूत मोटी होती है, 2.75 इंची चौड़ी होती है। तो ये चैनल जो होती है बहुत अच्छी होती है, ये इस तरीके से इसमें रेडू फंस के चलते हैं, ये आगे पीछे नहीं होते पल्ले, इसमें उतरते भी नहीं है स्लाइडिंग चैनल पर से, तो ये बहुत बढ़िया रहती है चैनल। इसमें ये पेज देख रहे हैं, ये ग्रुप को कम्बरती करने के लिए जो हमारा नीचे की साइड होती है उससे ग्रुप हमारा कम्बरती हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जैसे आपने चैनल लगा के पल्ले मिला के देखने हैं, अगर आपका ग्रुप टेढ़ा होता तो उसको सीधा कर सकते हैं आप रंधा मार के, तो उसको यानी कि प्लान यानी कि मिलना चाहिए ग्रुप जो साइड में बराबर से इस तरीके से मिलना चाहिए। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से मिलना चाहिए। आप इसको जो काटोगे नीचे पैकिंग देगा इस तरीके मार्जिन का आप निशान ले सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ये चैनल लगाने के बाद ही आपको निशान लेने होंगे, आप लैमिनेट लगाने से पहले भी लगा सकते हैं, इसमें जो चैनल अपनी फिट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लैमिनेट लगानी, आपको जो साइड में जगह छोड़नी, जैसे आपने चौड़ी जो चैनल आती है जहाँ पर मोटी वाली, तो 4 इंची आप इस तरीके साइडों से छोड़ सकते हैं, यानी कि 100 mm 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये कस देने हैं, जिधर आपकी चैनल मोटी हो चौड़ी वाली हो उस साइड से आपको इतना लगाना है। इस तरीके से मैं आपको इसमें इस तरीके से लगा के दिखाऊंगा, और दूसरे डोर्स में आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ये आप 4 इंची ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको साइज छोड़ना, ये अपना कस देना है यहाँ पर। तो ये जो चैनल होती है बहुत अच्छी होती है अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो, और इसमें आपको प्रॉपर यानी कि पेच टाइट कर देने। तो आपको जो लगानी है पहले आपको ये एक साइड से लगानी है, अगर आप एक साइड से चैनल ये रेडू लगाते हो आप, ये बोल्ट होते हैं इसमें जो पेच होते हैं ये ऊपर नीचे आपको ग्रुप कम्बरती करना, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप आसानी से, यानी कि बहुत ईजी है ये, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वो दूसरी वाली आपको जैसे चैनल लगानी होती है तो उसमें आपको 7 इंची छोटा करना पड़ता है गेट, उसमें आपको यानी कि जो बोर्ड की टक्कर है ऊपर के नीचे की उससे 7 इंची छोटा बनाना पड़ता है, इसमें आपको 1 इंची छोटा बनाना पड़ता है। इस तरीके से आपको ये लगा देना, अगर आपको जैसे ऊपर के आप रेडू कसने हैं तो वो किस तरीके से कसने हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको इस तरीके से लगाने के बाद ये अपना पहले सबसे पहले आपको अंदर वाला डोर से लगाना, जो अंदर की साइड रहता है, बाहर वाला बाद में लगाना, जो ऊपर से रहता वो बाद में लगता। तो इस तरीके से आपको मिला के, और आपको जो रेडू लगाना इस तरीके से लगाना, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो अपना साइज छोड़ना है साइड से
ये आपका जो पतली जो अपने 200 मोटी चैनल होती है उसकी साइड जो चैनल रहता है यानी कि जो अपने रेडो रहते हैं तो उसमें 2 इंची साइड से छोड़ सकते हैं 50 mm, यानी कि 50 mm छोड़ना आपको इस तरीके से साइड से, ये देख सकते हैं आप, ये अपना इस तरीके से दबा कर टाइट कर देना है, ये अपने पेज प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है ये लगाना। इसमें आपको जो लगाते हो आप इसे आसानी से लगा सकते हो, इस तरीके से आप नीचे से इसको टाइट करके ग्रुप सेट कर सकते हो अगर आपको ये लगाना है। तो इसमें मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, दूसरा भी आपको इसी तरीके से कसना है इसमें रेडो, एक ये ऊपर की साइड का जो आपको लगाना है, इस तरीके से चैनल लगा के आप कस सकते हैं। ये अपना नीचे रेडो यानी कि आपको ग्रुप बराबर करना और इस तरीके से आपको ये लगा देना दूसरा भी रेडो, ये 2 इंची यानी कि साइड से छोड़ना आपको 2 इंची 50 mm, 50 mm को हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको लगा देना जो ऊपर की साइड है। पेच आपको पेचकस से या अपने ड्रिल मशीन से जैसे टाइट करना तो आपको इस तरीके से टाइट करना होगा, अगर आप इसको ठोकते हो तो ये कामयाब नहीं है ठोकने के बाद, पेच इस तरीके से आपको टाइट करने होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान ही रखना होगा। अगर आपको जैसे टाइट करने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं उसमें किस तरीके से हमने जो अपना टाइट पेच होता है वो खिंचता नहीं है टूट जाता है, तो उसका अभी मैंने आपको दिखा दूंगा उस वीडियो में, आप उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से आप पेच टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये अपना एक सिले एक डोर्स हमारा लग गया, अब हम दूसरा डोर्स लगाते हैं। तो इसमें आपको ये चारों रेडो कस का दिखाऊँगा मैं आपको, ये ऊपर नीचे के इसमें कैसा लगा सकते हैं आप चारों एक साथ, अगर आपको लगाने अगर आप सिंगल बंदे हो तो आप चारों एक साथ लगा सकते हैं इस तरीके से। तो साइज़ का मैंने बता दिया आपको, साइज़ जो आपको लंबाई में रखना उस तरीके से आप इसको 1 इंची छोटा बना सकते हैं, तो आपको ये 4 इंची यानी कि छोड़ना होगा साइडों से, और जो अपने चौड़ी वाली जो चैनल रहती है उस साइड में आपको 4 इंची छोड़ना होता है, और जो अपनी पतली चैनल होती है जिधर 2 सूत वाली उधर आपको 2 इंची साइड से छोड़ना है। तो इसमें पेच आप प्रॉपर लगाना चारों टाइट करके, और ये अपना जो बोल्ट है ये पेच ये अपना ग्रुप सेट करने के लिए होता है, ये अपना 2 इंची छोड़ना आपको साइड से, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये रेडो यानी कि दोनों साइड लगते हैं ऊपर नीचे, इसमें ये फ़ायदा है कि ये दोनों साइड एक जैसे लगते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसमें जो दूसरी वाली जो चैनल होती है उसमें आप 1.5 इंची यानी कि 1.5 इंची भी छोड़ सकते हैं, 2 इंची छोड़ सकते हैं, यानी कि आपको जो अपना पतली चैनल होती है उधर से आप कम छोड़ सकते हैं। जैसे आपको छोटा दरवाज़ा जैसे आपका साइज़ कम है स्लाइडिंग का, तो आप उसमें 1.5 इंची छोड़ सकते हैं साइड से, उसमें ये रहता है कि अपना जो दरवाजा या स्लाइडिंग डोर्स होता है वो हिलता नहीं है, यानी कि वो इधर उधर को हिलता नहीं है, जैसे हम आगे पीछे करते हैं इसको बंद करते हैं या खोलते हैं तो उसमें ये हमारा हिलता नहीं। इस तरीके से आपको ये लगा देना नीचे फिट करके, और ये अपनी जो चैनल है ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 1 इंची वाली जो पट्टी होती है बाहर की साइड ही लगानी है आपको मिला के, इस तरीके से आपको ये लगा देना। ये एंड के ऊपर के जो वो होते हैं इसमें रेडो, ये दबा के नीचे को इस तरीके से इसमें फंस जाते हैं, इसमें स्प्रिंग होते हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें लूजिंग इतनी होती है एक यानी कि आपका 1/2 इंची तक ये लूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप मिला के लगा सकते हैं। अब इसको आपको ग्रुप जो सेट करना है तो इस तरीके से करना, मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ आपको सही तरीके से किस तरीके से आपको पेच टाइट करना है या लूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये जो आपको ग्रुप सेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, पेचकस से ऊपर से ये आप उठा सकते हैं ऊपर से नीचे से दरवाजे ऊपर को टाइट करने के बाद, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से आपको ग्रुप सेट करना होगा, ये देख सकते हैं पेचकस से टाइट करके आप कर सकते हैं। इसमें जो अपना जो पीछे की साइड निकलता है ये रेडो 1 इंची निकलता है या 1/2 इंची, साइज सबके अलग अलग आते हैं, इसमें अपना आप गैप कम बढ़ती करना हो तो आप कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें पैकिंग का भी सिस्टम है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लाइनें बराबर हैं इसकी,
कोई ऊपर नीचे लाइन नहीं है और ये आसानी से चल गई है स्लाइडिंग, इसमें आवाज़ भी नहीं है और ये अपना चल भी सही रहा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। और जो दूसरी वाली चैनल होती है उसमें आवाज़ भी करती है और वो चलने में खड़ा खड़ा करती रहती है, इससे भी बढ़िया रहती है। इस तरीके से आप लगाते हैं, यानी कि हल्के से सारे से चल जाता है, वो थोड़ा टाइट चलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। इसी तरह की हम वीडियो बनाते रहेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।